ये माँ बजायू की माँ संगीता की चीख से हर हिंदू माँ और भारतीय माँ दहल चुकी है। दोस्तों बाबा कॉलोनी बदायूं उत्तर प्रदेश में संगीता के घर और ब्यूटी पार्लर के सामने जावेद और साजिद की नाई की दुकान थी। संगीता के तीन बच्चे थे, पीयूष उम्र 9 वर्ष, आहान 6 वर्ष और आयुष 13 वर्ष। साजिद और जावेद संगीता के घर जाते हैं, तब संगीता अकेली थी। उस दिन साजिद और जावेद ने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी थी। दोस्तों साजिद अकेली संगीता के घर जाता है, तब तक जावेद बाइक पर खड़ा रहता है। साजिद संगीता से चाय मांगता है और फिर संगीता के छोटे लड़के पीयूष को पानी लेने भेजता है। तब तक जावेद भी ऊपर साजिद के साथ आ जाता है दोस्तों, और छुरी से वो आयुष और आहान के गले को काट देते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों आयुष और आहान की उम्र सिर्फ 6 और 13 वर्ष थी। वो पीयूष को भी मार देते, पर तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई थी और जावेद भाग जाता है। पर जाते जाते साजिद संगीता को कहता है एफआईआर के हिसाब से, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। मैं वापस कहूंगा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। यूपी पुलिस ने साजिद के एनकाउंटर को अंजाम देती है और अभी जावेद फरार है। ऐसी अमानवीय प्रीप्लांड साजिश पर, जिसमें आयुष और आहान की छुरी मारकर निर्मम हत्या कर दी दोस्तों, इस पर सबको गुनेगार जावेद और साजिद के लिए या तो फांसी या उनके एनकाउंटर का स्वागत करना चाहिए। पर दुख की बात है कि इस देश में जो नेता गाजा पैलेस्टाइन के लिए आंसू बहाते हैं, वो इस बात पर व्यथित है कि साजिद का एनकाउंटर कैसे हुआ। वो इस बात पे व्यथित है कि साजिद का एनकाउंटर कैसे हुआ। एसपी के बड़े नेता शिवपाल यादव कहते हैं कि भाई एनकाउंटर हो चुका है। एसपी के दूसरे बड़े नेता राम गोपाल यादव जी कहते हैं कि बीजेपी चुनाव के पहले हिंसा कराती है। एसपी के मीडिया सेल ट्वीट करता है कि भाई चुनाव के कारण ऐसी घटनाएं होती है। इनको दिक्कत क्यों है दोस्तों? आयुष और आहान की कोई चिंता नहीं है, बच्चों की चिंता नहीं है, जावेद और साजिद के खिलाफ एक शब्द नहीं। वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इन आरोपियों का नाम तक नहीं लिया जा रहा है। और तभी क्या दोस्तों, ये तभी बोलते जब जावेद और साजिद की जगह अगर आरोपी सोहन और जतिन होते और आयुष और आहान की जगह मरने वाले बच्चों का नाम आफताब और अब्बास होता, तब ये बोलते हैं। ये कम्युनल पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए दोस्तों, और इसको आपसी रंजिश देकर इस हैवानियत को छुपाने की कोशिश भी बंद होनी चाहिए। सिर्फ आयुष और आहान को मारा नहीं गया था दोस्तों, बल्कि उनकी गला काटकर तालिबानी स्टाइल में उनकी हत्या करी गई थी। इस सच्चाई पर नेताओं का मुंह क्यों बंद है? क्या संगीता मां की चीख इसीलिए नहीं सुनाई दे रही क्योंकि वो हिंदू है? देखिए ताल ठोक के। उसी के बहाने बुला के छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया। हमने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा, चाकू था इतना बड़ा।
लड़का हमारा ऐसे था नहीं, ये तो कोई साजिद हो सकती है, ये बच्चे ऐसे है ही नहीं। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है। साजिद और जावेद दोनों थे, एक मर गया है और जावेद रह गया, अभी जावेद की भी लाज चाहिए मुझे। अभी ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण और घटना को जो है वो पर सुरक्षा कवच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल समाज के दुश्मन है बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन है। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से, ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। साथ ताल ठोके में आज मैं बदायूं की मां की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, जिनकी चीख हर हिंदुस्तानी तक जा रही है। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के डायनेमिक नेशनल स्पोक्स पर्सन, राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट एसआईएम पीएलबी, असगर अली एडवोकेट दिल्ली से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी एंड वेरी डेकोरेटेड कॉप, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्म गुरु, और जुबैर मेनन पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैंने समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल नेशनल स्पोक्स पर्सन को भी बुलाया था पर वो इस डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आप सभी के पास आऊंगा पर इसके पहले मैं पीड़ित परिवार के पास जाना चाहता हूं, डॉक्टर विक्रम सिंह, और सभी को चाहता हूं कि विनोद जो उनके पिता है वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर के साथ में। ये भाई जावेद और साजिद, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि विनोद जो विनोद जी से ये पूछिए कि इस वक्त एक आरोपी फरार है, एक की पुलिस ने एनकाउंटर मारकर हत्या कर दी, पर कुछ नेता इस बात से चिंतित है कि एनकाउंटर में हत्या क्यों हुई। विनोद जी, छोटे से दोनों बच्चे थे, एक था 11 साल का, 6 साल का, होली का त्यौहार आने वाला था, आपने बताया कि आपने किस तरह से कपड़े वगैरह सब लिए थे। अब हुआ क्या है कि जब जिस वक्त अब इसमें आरोपी साजिद के एनकाउंटर करा गया है तो कई लोग अब इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों करा गया, एनकाउंटर कोई तरीका थोड़े नहीं, क्या कहना चाहेंगे इसको? इनकाउंटर करा दिया है मगर कराना तो नहीं चाहता, पहले जो है पहले उससे जानकारी ली जाती, मतलब क्या है वो भी ज़रूरी था, तभी तो पता चलता उसने क्यों बच्चे को मारा है। तो क्या है जानकारी, हमको क्या मिली उसकी, यानी कुछ नहीं मिली हमको कि बच्चों को उसने मारा क्यों है। अब मान लो वो मर गया, इनकाउंटर हुआ तो दूसरा पकड़ा जाए तब पता चलेगा हमें कि इनकाउंटर क्यों हो रहा है, भैया बच्चों को क्यों मारा गया हमारे, भाई हमने उसका क्या बिगाड़ा है, मैंने उसकी मदद ही की है उस दिन, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब उसके बाद भी उसने ऐसा किया बच्चों के साथ, बताओ अब क्या हम उम्मीद करेंगे। उम्मीद जब ये होगी कि वो पकड़ा जाए तब हमें पता चलेगा कि हाँ हमको न्याय मिल रहा है, भाई वो उसे जानकारी खुलेगी कि उसने स्वयं मारा है या किसी ने मरवाया है, ये तभी तो पता चलेगा। भाई हम तो घर में रहते नहीं हैं, बच्चे वहाँ रहते हैं खाली, बस हम तो बाहर रहते थे, अब बच्चे जाते हैं आते हैं बस क्या है। अब वो तो ऐसे यहीं पर चौबीनों का ठेला लगता है, वहीं बैठे बैठे बेचारे खा ले लेते हैं, अब बोलते चलते रहते हैं, तो आदमी ऐसी जान जाता है बच्चों के क्या है। अब एक बात बताइए, जैसे बच्चों का छोटे छोटे 11 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, अभी आपसे जब मतलब हम लोग बात करें तो उससे पहले तो आपने बताया था कि होली आने वाली थी, नए नए कपड़े ले लिए उसके, मैंने परसों गई थी बाजार, संडे की बात जो आता है, संडे वाले दिन इनके भी कपड़े आए हैं, पीयूष के भी आए हैं, हन्नी के भी आए हैं, और आयुष के भी आए हैं, वो अपने आप तीनों लेके आए थे कपड़े, और वो अपने जूते भी लेके आए, लाइट वाले छोटा वाला, कि मुझे लाइट वाले जूते पसंद है कि रात में जलाऊंगा तो नूजी तो लाइट हो जाएगी, तो रखे हैं कपड़े बेचारे के, क्या करा जाए। क्या विनोद जी उनकी मदद करते थे जावेद और साजिद की? शिवांग विनोद जी से पूछिए, क्या जावेद और साजिद ने मदद मांगी थी जब संगीता जी इनको फोन किया था तो 5,000 रुपए देने की बात की गई थी, क्या मदद मांग जो मदद थी वो मदद इनने देने की बात करी थी, उसके बावजूद इनके बच्चों की हत्या हो गई, और क्या ये जो दूसरा आरोपी फरार है उसके लिए भी फांसी की सजा चाहते हैं या चाहते हैं कि उसको भी एनकाउंटर के अंदर मारना चाहिए?
अच्छा विनोद जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके वहाँ जब लोग हैं, सभी लोगों ने बताया कि आप हमेशा मदद करते हैं लोगों की, इसने क्या कहते हैं साजिद ने 5,000 रुपए की मदद आप लोगों से मांगी थी? उधार मांगी थी, उधार मांगे थे, मदद से मतलब नहीं था, उधार कभी कभी ले लेता था, जैसे कि हम आते थे तब ले लेता, मुझे जरूरत पड़ी जब 1,000-2,000 रुपए ले लीजिए, मान लो नहीं है उसके पास कि भैया ये दे दीजिए, हम आपको सुबह दे देंगे या शाम को दे देंगे हम। ऐसे वो आया था उस दिन, परसों जो है कल, कि भाभी हमको 5,000 रुपए ज़रूरत है हमारी मतलब मैडम की डिलीवरी होने के लिए, इसलिए जो अच्छा इस चीज़ को मुझे भी नहीं पता था कि वो अपनी उसके बच्चे होते हैं नहीं होते हैं, मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो घर में तो रहता नहीं ना, और उससे मेरे पता 7 तालुक इतने हैं कि उसे पता होता कि हाँ उसके बच्चे ही नहीं हो रहे हैं भाई, इस चीज़ को पता चलता। हाँ अब हमको क्या मालूम कि उसके किसके क्या सिस्टम है, तो इन्होंने हमें फ़ोन किया तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है दुकान तो उसकी है ही है, रोज आता ही है भाई, रहेगा ही, जाता कहाँ है वो, तो दे ही देगा। अच्छा बात बताइए, ये जो जावेद अभी भी बाहर है, जावेद जैसे राक्षसों के लिए आप क्या सजा चाहते हैं, कहने फांसी की सजा दी जाए, सजाए मौत दी जाए, जैसा पहले उसका राज खुले तब हम चाहेंगे इसकी फांसी की सजा। हाँ पहले तो मुझे राज खुलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, सच जानना है आपको कि आखिर क्या कारण था। हाँ कि हमको हमारे बच्चों को क्यों मारा गया, कारण क्या है ये तो बताए, किसने मारा है या शिवांग उसने मारा है। शिवांग मैं एक और चीज विनोद जी से पूछना चाहता हूँ, किसने मारा ही नहीं था, छुरी जो है वो पूरी अंदर घुसाई थी और तालिबानी स्टाइल में मारने की कोशिश की गई थी। आप कहाँ जा रहे हो, बाहर मत जाओ घूमने, घर में ट्यूशन सर घर में पढ़ाते हैं, आगे बच्चे स्कूल गए। अच्छा बिल्कुल जी, बस आप एक चीज़ आप मतलब हमेशा देखते हैं एक चीज़ कि जो मतलब तालिबानी स्टाइल में, एक तो होता है हत्या करना, दूसरा होता है तालिबानी तरीके से हत्या करना, जैसे आतंकवादी सीधे हत्या करते हैं सरकार, उस तरह से हत्या करी। हाँ उसने ऐसी ही हत्या की है, ये तो हम खुद ही उसको हचंक रहे हैं कि उसने पूरी गर्दनी उसकी काट दी है, दोनों बच्चों की, और बड़े वाले का तो पूरा ये चाकू मारा है, सब हाथ काटे हैं। बड़ा वाला वही बेटा जो मतलब पानी लेने गया था? हाँ नहीं नहीं पानी लेने गया, वो साथ में गया था उसकी, पानी लेने गया था छोटा वाला आहान, उसके भी हाथ तो, उसको तो खत्म कर दिया उसको तुरंत ही, गर्दन काट दी थी उसकी, ये पूरा हिस्सा काट दिया था। बताइए जिस व्यक्ति जो व्यक्ति उसके लिए पानी लेने गया प्यास बुझाने गया उसके साथ ही उसकी पूरी गर्दन काट दी, और जो बड़ा वाला था वो थोड़ा कर रहा था, वो नहीं कब्जा में आया तो उसने सब शरीर में उसके चाकू से काटा है, ये हाथ सब काट डाले थे तब गर्दन काटी उसकी। मैं शिवांग जी न्यूज विनोद जी के परिवार के साथ खड़ा है और न्याय की गुहार में उनको सपोर्ट करता है, आप उस वक्त विनोद जी के साथ जुड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ ये तालिबानी स्टाइल हैवानियत के ऊपर सेक्युलर गैंग चुप क्यों है, क्यों ये नेता शांत है, मैं पूछना चाहता हूँ, और डिबेट की शुरुआत शिवम त्यागी जी और राशिद शरीफ जी आपके साथ करना चाहता हूँ। राशिद शरीफ जी हर चीज पे फतवा आता है, राशिद शरीफ जी अभी तक इस पे क्यों नहीं मुंह खोल के जो लोग गाजा में आवाज उठा रहे थे अभी तक बोले हैं, क्यों? क्योंकि मरने वाले हिंदू है इसीलिए, जो क्यों इस पे आवाज नहीं उठाई गई है? असदुद्दीन ओवैसी क्यों शांत है? प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों शांत है? क्यों नहीं खुल के बोला जा रहा है कि जो आरोपी है उन आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जो फरार है उसको पुलिस पकड़े और फांसी पे लटका है, क्या आप समर्थन करते हैं राशिद जी? बिल्कुल सर, जो भी इस तरीके का जो अमल किया है उसको फांसी होना चाहिए, ये रमजान का महीना है सर, रहमतों वाला बरकतों वाला मगफिरत वाला महीना है, ये दरिंदगी जो बच्चों के साथ हुई है वाकई बहुत गलत हुआ है, इसको फांसी देना चाहिए और ऐसी जगह लटकाना चाहिए कि दूसरों को इबरत हो, दूसरों को इबरत हो, और इस तरीके से हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए सर। अगर आप चाह रहे कि ये बच्चे हिंदू थे अगर मुसलमान होते तो कैसा होता, ये ऐसा इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए सर। अगर आप राजनीति राशिद भाई ये राजनीति कर वो लोग रहे हैं जो जाके उन्नाव से लेकर गाजा के ऊपर मुंह खोल के आवाज उठाते हैं शिवम त्यागी, और आज ये बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स है? आज जो विचारक है वो सब विचारक क्यों शांत हैं? क्यों नहीं खुल के एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है जैसे आप खुल के बोल रहे हैं शिवम त्यागी? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के नेता खुल के बोल रहे हैं कि इसमें जावेद के खिलाफ सबसे सख्त सजा होनी चाहिए, उसको फांसी पर लटकाना चाहिए? अगर मैं ट्वीट को डिकोड करना चाहूं, ये ट्वीट जो मेरे सामने है इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, दंगा फसाद होने की कोशिश की जा रही है, अरे जो आरोपी है उसके खिलाफ तो स्टेटमेंट दिया जाए। शिवम त्यागी और जुबेर मेनन आएंगे डिबेट के अंदर, मैं आ रहा हूं डॉक्टर विक्रम सिंह आपके पास में भी। शिवम त्यागी, प्रदीप जी जैसा समाजवादी कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू है, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में दाढ़ी कटवाने बनवाने तो सभी जाते हैं, तो क्या गला काट दोगे क्या?
और इसमें किसकी क्या मंशा है जब वो यहां पर रेजर लेकर आ रहा है, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहा है या पीछे से उसको क्या चीज इंस्पायर कर रही है। एक इन्होंने कहा कि रहमतों बरकतों वाला महीना है, हाँ है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उनकी तो रहमत और बरकत सभी खत्म कर दी आजीवन। जो आदमी आपको पानी पिला रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है, जो आपको मदद कर रहा है, उसकी तो जिंदगी हमेशा भर के लिए आपने खत्म कर दी, दो बच्चों की। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, समाजवादी के लिए ये केस मुफीद बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें कराई। भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथों में चाकू छुरी नहीं दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये नहीं कहा था कि जाकर बच्चों के गले काट देना, हमारे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अगर यह मामला बिल्कुल दूसरा होता, आपको याद होगा हाथरस वाले विषय में दलित भी उनको याद आ गया, मुस्लिम भी उनको याद आ गया, सीए वाले विषय में होता है, जब हिंदू पीड़ित होता है या जब हिंदू एक्यूज होता है। कानून व्यवस्था का मैं कह रहा हूं, सुबेर मेनन जी, शिवम त्यागी, मेरा क्लियर है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बदायूं की मां के लिए खड़ा हूं, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने पानी दिया, उसने उधार देने की बात करी और उसके बच्चे जिनकी उम्र 12 साल 6 साल 9 साल, जुबेर जी इस पे फतवा कहां है? कहां है असदुद्दीन ओवैसी और ये लोग शांत क्यों शांत बैठे हुए सब लोग? जुबेर जी, सर आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि ऐसे मर्डर के वक्त में मुसलमानों का क्या कहना है, मुस्लिम लीडर्स का क्या कहना है। आप एक बात बिल्कुल लिख करके रख लीजिए कि मुस्लिम कोई लीडर, मुस्लिम कोई मौलवी, मुस्लिम कोई एक्टिविस्ट या भारत में रहने वाला कोई भी मुस्लिम शहरी इस दरिंदगी का सपोर्ट नहीं करेगा और इन हथियारों के खिलाफ रहेगा हमेशा। हम तो ये मांग करेंगे पीड़ित के पिता की, आपने जो बात सुनवाई कि उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, उसकी जांच करनी चाहिए थी, फास्ट ट्रायल कोर्ट चलाना चाहिए था डे बाय डे, जिससे कि जब सरकार का फैसला आना चाहिए था, मिल जाए, वो भी नहीं, जो भी दोषी है, कि जब सरकार बदले तो उसके बाद बेल मिल जाए, जैसे कि बाटला हाउस के लिए आसमानी की बात करी गई थी जो आतंकवादी थे। मैं ये कह रहा हूँ कि एनकाउंटर लीगल है, एनकाउंटर जो है वो पुलिस ने किया है और जुडिशियल का पूरे सिस्टम के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया। और नहीं, और सरकार नहीं। अगर चाहती आप मुझे है एक चीज बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मेरा मैं कह रहा हूँ आरोपियों का क्या करे, मेरा मैं वही कह रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, सुन लीजिए, आप मुझे एक चीज बताइए, पुलिस एनकाउंटर किसी मुफीद सिचुएशन में तो करती नहीं है। जाहिर है पुलिस वालों, जो व्यक्ति दो बच्चों का गला काट सकता है, उनके साथ छीना झपटी करके उनका गला चीर सकता है, उसने पुलिस पर भी जरूर प्रहार करने की कोशिश की होगी। पुलिस किसी बहुत आइडल सिचुएशन में उनका एनकाउंटर नहीं कर रही है। साफ बात है कि जो लोग दो लोगों की हत्या कर सकते हैं उनको पता है रिपरकशंस क्या होने हैं। हो सकता है पुलिस वालों का स्टेटमेंट आने दीजिए, उनके ऊपर भी हमला किया। अब ऐसा तो नहीं देखिए आचार्य विक्रमादित्य, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपके पास आऊंगा, पर उस मां का दर्द देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी और असगर अली जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। लेट अस नॉट गो इन टू द टेक्निकलिटीज, मैं मूड पॉइंट पे आना चाहता हूँ। संगीता एक माँ जिसकी कोई गलती नहीं, वो माँ ने जाकर मदद करी, उसके छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को, दो बच्चों की निर्मम चाकू से हत्या कर दी तालिबानी स्टाइल के अंदर, तीसरे बच्चे को भी मारने की कोशिश करी गई, और उसके बाद एफआईआर के हिसाब से असगर अली जी क्या कहा गया कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। ये एफआईआर के अंदर विनोद जी के स्टेटमेंट है कि ये कहा गया कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। ये कोई आपसी रंजिश नहीं थी, ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। मेरा इशू है कि जब ऐसी प्री प्लान्ड हवानियत के ऊपर बड़े बड़े नेता, भले जो अखिलेश यादव जी हो गए, भले प्रियंका गांधी वाड्रा जी हो गई, वो इसमें क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि यही जो इन लोग ने किया, आरोपियों के खिलाफ फांसी होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये क्राइम्स जो होते हैं वो नॉर्मलाइज होने की कोशिश की जाती है असगर अली जी, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है और इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सजा होनी चाहिए। असगर अली जी, सीनियर एडवोकेट। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये रेयरेस्ट है और बाकी जितनी भी हैवानियत की हदें हो सकती हैं इस इंसिडेंट में वो सारी पार कर दी मुलजिमों ने। लेकिन अभी तक एक चीज़ ज़रूर है कि मोटिव अभी नज़र नहीं आया, मोटिव अभी क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि मैंने आपसे अर्ज किया कि अली साहब को मोटिव मैं बता रहा हूँ, पूरे देश को मोटिव मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे मोटिव क्या है। अरे
अब एक मिनट भाई, अरे आप धर्म गुरु जी एक मिनट, मैं जरा सा आप अपनी वकालत ना करें यहाँ पर, मेरी अरे सुन लीजिए, अरे वकालत नहीं, आप ये सब जन्नत का है, आप फसादी बात मत करें, फसादी बात नहीं कर रहे, सत्य बोल रहे हैं, आप धर्म गुरु जी दंगे मत सुन लीजिए जनाब, आप जो बकवास कर रहे हैं, दंगे वाली बात मत करिए, आप सुन लीजिए बैठ के, अरे भैया सवाल आपसे नहीं किया, मुझसे किया है, क्या आपसे सवाल किया है, जो ये मौलवी पढ़ा रहे हैं, लोगों का ब्रेनवॉश कर रहे हैं, ये खेल वही ये बातें, ये सारा खेल जन्नत का है, आप हिंदुस्तान के दुश्मन मत बनने भाई, बर्बाद मत करो हमारे मुल्क को, बर्बाद मत करो अपनी, बर्बाद वो लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य और डॉक्टर विक्रम सिंह को मैं डिबेट में लाना चाहता हूँ, डॉक्टर विक्रम सिंह, बर्बाद मुल्क को तब होता है जब ऐसी हैवानियत के ऊपर वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं बोला जाता है, गाजा के ऊपर ऐसे लिखे गए, गाजा के ऊपर 10-10 बड़े बड़े शिवम त्यागी, एक पैराग्राफ का ट्वीट लिखा गया, पर मैं असगर अली जी कह रहा हूँ जब ऐसी हैवानियत के ऊपर सबको पॉलिटिशियंस को कंडेम करना चाहिए, डॉक्टर विक्रम सिंह जब इस हैवानियत के ऊपर कंप्लीट कंडेमनेशन नहीं होता है तब दिक्कत होती है, और डॉक्टर विक्रम सिंह ये पहली बात नहीं है, मैं कहना चाह रहा हूँ दर्शकों ये पहली बात नहीं है, प्रवीण नितारू, कन्हैया लाल, उमेश कोले, हर्षा, किशन बरवा, रूपेश पांड्या, नीरज राम, मुकेश सोनी, कमलेश तिवारी, स्वामी लक्ष्मणन, सरस्वती, वीर रामलिंगन, ध्रुव त्यागी, पालघर के अंदर कल्पाजगिरी महाराज, नीलेश ठाकरे, गौरव, सचिन, प्रशांत पुजारी, संजय कुमार, अंकित सक्सेना, रतन लाल, अंकित शर्मा, गगन सिंह चौहान, भरत यादव, विष्णु गोस्वामी, सुबोध सिंह, अविनाश सक्सेना, अमित गौतम, चंदन गुप्ता, रविंद्र कुमार, रिया गौतम, योगेश कुमार, पंकज नारंग, काला देवी, मिथुन ठाकुर, रवि निमरारी, रीवती सिंह, राजेश कुमार, निकिता तोमर, डॉक्टर संजय सिंह, रिंकू शर्मा, सनी सिन्हा, राहुल राजपूत, राहुल सोलंकी, शंभू लाल, भरत वैष्णव, रंजित बच्चन, प्रिया कशिश, नागराज, दिलबार नेगी, ऋतिक आदर्श, बीके गंजू, सर्वनंद कौर, विनोद कुमार, तिकालाल तपलू, सधु सर्वनाम, अजय पंडिता, सतीश भंडारी, मखनलाल बिंद्रा, खिरजा टिक्कू, रतिंदर कौर, दीपक चंद, हीरालाल गुर्जा, रमेश्वर अंकुश, आलोक तिवारी, प्रेम सिंह, दिनेश वीर भाम, बिना जान, ऐसे तमाम 70 से ज्यादा हिंदू हैं जिनकी ऐसे हैवानियत के रूप में हत्या की गई। हम एक अखलाक के साथ जो हुआ निर्मम गलत, सजा दीजिए बिल्कुल, पर ये सब के नाम खो जाते हैं, और ऐसे ही आयुष और आहान का नाम भी इसीलिए खो दिया जाएगा क्योंकि जब पॉलिटी में नेताओं को कंडेम करना चाहिए, जैसे कि यहां पे राशिद भाई ने कंडेम किया, ये कंडेम नहीं करते डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर विक्रम सिंह आ रहा हूं शिवम के पास, डॉक्टर विक्रम सिंह। प्रदीप जी नमस्कार, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, चार जी एक सुनाऊंगा, पहले डॉक्टर विक्रम सिंह बोलेंगे। ये ज़हनी बेईमानी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का इतना नग्न स्वरूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस जघन्य हत्याकांड में भर्त्सना होनी चाहिए, पीड़ित पक्ष के प्रति संवेदना होनी चाहिए, वहां राजनीति का तड़का लगाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसराइल पैलेस्टाइन के बारे में तो सब जो है तसला ले लेकर के आंसू बहा रहे थे, और यहां पर दो आंसू और संवेदना की तो बात छोड़ दीजिए, एनकाउंटर पे प्रश्न, एनकाउंटर किया नहीं जाता, एनकाउंटर हो जाता है। यहाँ बड़े विद्वान एडवोकेट साहब बैठे हैं, धारा 94 से लेकर धारा 106 आईपीसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अपनी या दूसरे की हिफाजत में न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है, वो एक लाठी भी हो सकती है और गोली भी हो सकती है, और ये शातिर अपराधी थे, ये कोई वो नहीं थे जो बताशा बनाने वाले थे, और अगर अपनी रक्षा में पुलिस वालों ने इनको मारा, मैंने आज ही दी कि मुझे यही उम्मीद है पुलिस से कि जो आप पे आक्रमण करे, और ऐसे आतताइयों के यही नतीजा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप वही करेंगे जिस बात की आप तनख्वाह लेते हैं, कह देना तो बड़ा आसान है कि मुठभेड़ कर दी गई और ये खत्म हो गया। अरे आपको अगर इतने सबूत हैं तो न्यायालय में जाकर के इस्तगासा डालिए। अली क्या चाह रहे थे, पुलिस वाले देखते रहे, काउंटर हो नहीं, मैं बता रहा हूं, ये चाह रहे थे घुटने के नीचे गोली मारनी चाहिए थी। देखिए मैं चाह रहे थे कि पुलिस वाले आपके चाह रहे थे घुटने के नीचे गोली मारो, पुलिस को गोली लग जाए, पुलिस वाले दैट इज व्हाट यू वांट। सही बात कह रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर के बहुत सारे कानून हैं। अच्छा भंडारी साहब, इनकाउंटर के बहुत सारे कानून, इनकाउंटर हो गया तो दिक्कत है, नहीं किया जाता है। जैसे अरे सुन लीजिए हम आपके हक में कह रहे हैं भाई, अरे पहले आप मेरी बात सुनिए, उसमें मोटिव और तमाम चीजें सामने आना चाहिए थी भाई। ओके, बेसिकली डॉक्टर विक्रम सिंह मैं समझ गया असगर अली जी क्या कह रहे हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह, आचार्य विक्रमादित्य मैं समझ गया कि आचार्य विक्रमादित्य मैं आपके पास आऊंगा, पर मैं सुनिए विक्रम सिंह जी असगर अली जी क्या कह रहे हैं, असगर अली जी कह रहे हैं कि पुलिस वाले को देखना चाहिए था कि अरे पहली गोली, नहीं मैं बताता हूँ क्या पुलिस की आपसी, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर विक्रम सिंह, क्राइम सीन है, आरोपी फरार है, आरोपी क्रॉस फायरिंग में कोशिश कर रहा है, आरोपी दो हत्या ऑलरेडी कर चुका है, और आरोपी के सामने पुलिस को ऐसे खड़ा होना चाहिए था,
देखना चाहिए। अच्छा एनकाउंटर करे, नहीं नहीं पहले इधर जो नीचे गोली मारो, नहीं नहीं पहले इधर गोली मारो। कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर विक्रम सिंह? हम उनका फेवर नहीं कर रहे हैं, हम तो कानून के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर कानून है केस तो क्लियर होना चाहिए। उन बच्चों के फादर यही कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उनके बच्चों के फादर भी। प्रदीप जी मैं जरा कानूनी बात बताना चाहूंगा विक्रम सिंह। असगर साहब जो बच्चों के फादर कह रहे हैं डॉक्टर, आप बात को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जो आपके बच्चों के फादर कह रहे हैं, मैं हथियार को चलाता हूं। आपका यह हक है कि आप मुझे निष्क्रिय कर दूं। मोटिव नहीं देखा जाता है, हाथ पे पिस्तौल देखी जाती है, और अगर पिस्तौल चाकू है अगले का अख्तियार है कि मुझे निष्क्रिय कर दे, लेकिन आप निष्क्रिय नहीं करेंगे। वहां मोटिव मैं पूछूंगा, बताइए गोली चला रहा था उन पे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, डीरेल आचार्य विक्रम ने शिवम जी आपके पास आ रहा। आप जब आप मुझे गाली देने का कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आचार्य विक्रम जी यानी डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह यू आर वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड क्रॉप्स दैट इंडिया हैज सीन। मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर विक्रम सिंह आप वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड क्रॉप्स है जो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान ने देखा है। पर असगर अली जी कैसे आचार्य विक्रमादित्य जी कन्वीनियंटली पूरे के पूरे डिबेट को शिफ्ट कर रहे हैं कि एनकाउंटर की टेक्निकलिटी सुधारो। शिव में आ रहा आचार्य विक्रमादित्य की दस बात। आचार्य विक्रमादित्य मूड पॉइंट क्या है? एक मां ने अपने दो बच्चों को खोया है। मूड पॉइंट क्या है कि तीसरा बच्चा पूरी जिंदगी इस दर्द के साथ जाएगा, इस दर्द के साथ जिएगा कि उसके दोनों के दोनों भाइयों की निर्मम तालिबानी स्टाइल में हत्या हुई और ऐसे लोगों ने हत्या करी जो उनके दोस्त या उनके घर के सामने हुआ करते थे, और इस थॉट से जाएगा कि नेताओं ने इसमें एक स्वर के अंदर इसको कंडेम नहीं किया। यह मूड पॉइंट है और कोई बात नहीं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य और जुबेर मेनन, आचार्य विक्रमादित्य जुबेर मेनन असगर जी आऊंगा आपके पास और शिवम त्यागी के पास। पहले आचार्य विक्रमादित्य पहले आएंगे डिबेट में और फिर जुबेर मेनन। प्रदीप जी मुझे पहले बोलने नहीं दीजिए, आप पहले बोलिए, आप पहले बोलिए। एक प्रश्न असगर जी, आप यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो हैं मुझे एक बात बता दें, जुबेर मेनन साहब, असगर अली साहब, कि यहाँ बैठे हुए प्रदीप भंडारी, यहाँ बैठे हुए शिवम त्यागी, यहाँ बैठे हुए डॉक्टर विक्रम सिंह और मैं, इनकी नजर में काफिर है कि नहीं है? काफिर है कि नहीं है बता दें इसे बैठ के, इनकी नजर में हम मुशरिक है कि नहीं है? केवल मुझे बता दीजिए। मोमिन तो यही दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी किताब ये कहती है कि मोमिन यही है, और इनकी किताब में ये लिखा है कि इस मुकद्दस महीने में जब इनके मौलाना जो पढ़ाते हैं बच्चों को कि जहां भी काफिर दिखाई दे, जहां भी मुशरिक दिखाई दे, उसका कत्ल कर दो, उसका कत्ल कर दो, उसकी गर्दन काट दो, ये लिखा है मेरे पास। मैं आपको दिखा रहा हूं जो जो इनकी पुस्तक में लिखा है वही हुआ। ये सारा जन्नत का है, ये सारा खेल जन्नत जवाब देंगे, ये सारा खेल जवाब देंगे किया जा रहा है। जुबेर जी जवाब दीजिए इसको, जुबेर जी, जुबेर जी जवाब कह दें या सामने बैठे जुबेर जी जवाब दें, इसी पे जुबेर जी जवाब दें, जुबेर जी जवाब दे रहे हैं, आ रहा हूं जी, जुबेर जी जवाब दे रहे हैं, जुबेर जी, ये सारा खेल यही खेला जा रहा है। जवाब देंगे जुबेर जी, जवाब देंगे जुबेर जी, जुबेर जी, जुबेर जी सवाल करिए। ये धार्मिक ध्रुवीकरण के तो जवाब हम नहीं देते हैं जी, फ्रिंज एलिमेंट है ये इंसान। प्रदीप जी आप सवाल करते हैं, अरे फ्रिंज एलिमेंट है, आप लोग गर्दन कटवा रहे हैं, हमें फ्रिंज एलिमेंट बोल रहे हैं, मतलब आप लोग बैठ के मौलाना लोग यही मदरसों में सिखा रहे हैं और हमें बोल रहे हैं। आप लोग तथाकथित तौर पर लगातार बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, सीधे साधे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और यहाँ बैठ के दाढ़ी आप अपनी मुड़वा के। मैं जुबेर जी ये कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जुबेर जी ये हुआ क्यों? ये ऐसे लोगों ने किया क्यों? यहाँ पर जो कर रहे हैं ये राजनीति है, प्योर राजनीति है। इस पे नेता चुप क्यों है? एक के बाद एक अभी हमारे प्रदीप भंडारी ने लिस्ट दे दी आपको 70 लोगों की, ऐसी हजारों लोगों की लिस्ट तैयार है जो लगातार पूरे विश्व में आप लोगों के मौलानाओं की मिस इंटरप्रिटेशन के कारण से। जुबेर मेनन आएंगे, जुबेर मेनन, असगर अली, शिवम त्यागी, डॉक्टर विक्रम सिंह, जुबेर मेनन डिबेट, जुबेर मेनन इस पे खुल के मुझे बताइए। जुबेर मेनन जी इस पर खुल के सेक्युलर नेता क्यों शांत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और असगर अली जी और शिवम त्यागी इसके आपके क्यों शांत है? आपने इनमें से आपने 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 खुद इस पे क्या ट्वीट किया है? जुबेर जी आपने जो पहला सवाल किया बिल्कुल सही सवाल किया कि साजिद और ये दूसरे हत्यारे रहे ने ये हत्या क्यों की, ये आपने मुझसे सवाल किया। यही सवाल पीड़ित के पिता का है, यही सवाल भारत के हर शहरी का है कि ये कत्ल क्यों किया गया, उनको जिंदा हिरासत में ले, उनसे इन्वेस्टिगेट करें और इस सवाल का जवाब पूरे भारत को दे। डॉक्टर विक्रम सिंह कोर्ट और जुडिशियरी पे डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह नहीं है, डॉक्टर विक्रम सिंह संविधान, डॉक्टर विक्रम सिंह इनको दिक्कत है एनकाउंटर से, सबको दिक्कत है एनकाउंटर के साथ लग जाएगा कि ऐसे विकास दुबे के एनकाउंटर के अंदर यूपी पुलिस को घेरने की कोशिश करी थी, पता लग जाएगा और उसकी आड़ में एनकाउंटर के अंदर मुसलमानों को बचाने की कोशिश की जा रही है कि एनकाउंटर क्यों हुआ, बिल्कुल गलत है। मैं प्रदीप जी ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ एनकाउंटर बिल्कुल जस्टिफाइड है, और यह कह देना कि अब मोटिव नहीं मिलेगा। आप क्या हमारे तफ्तीश कुनिंदा को जाहिल समझते हैं? हमारे तफ्तीश कुनिंदा इन्वेस्टिगेटर्स बड़े काबिल हैं और तथ्यों के आधार
सब कुछ निकल के आए, चाहते हैं कि पहले मोटिव मिल जाए, आला कत्ल मिल जाए, आला कत्ल न मिले तो कहे मोटिव, हर चीज मिल जाती है। और इन्वेस्टिगेशन का अगर तजुर्बा नहीं है तो बराए करम उस पर रोशनी डालने के सहमत न फरमाएं। और जरूरी यह है कि जो उनके अंदर हुदूद के अंदर मिली हुई है, मैंने बताया ना धारा 94 से 106 आईपीसी में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, हंगामा गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया, ये तकिया कलाम है हमारी केस डायरी का, तो मुनासिब चोट पहुंचा करके, अरे आपको इतनी शिकायत है तो कोर्ट में जाकर के हमारे खिलाफ शिकायत कर दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम सिंह, राशिद शरीफ और शिवम त्यागी आएंगे डिबेट में, मैं कह रहा हूँ राशिद शरीफ जी और शिवम त्यागी आएंगे। राशिद शरीफ जी भाई, अगर जावेद और साजिद को अपने गुनाह के लिए, अगर अपनी उन्होंने जो गुनाह किया, उन्होंने जो तालिबानी स्टाइल के अंदर हत्या करी, अगर उसके लिए उनको कोई भी जो है गिल्ट होता तो वो फरार नहीं होते, पहले से बाइक तैयार थी और उसके बाद वो फरार होके आगे जाना चाहते थे। आई तो सैल्यूट द यूपी पुलिस कि उन्होंने एक आरोपी के खिलाफ जो एक न्यायपूर्वक कार्रवाई करी और दूसरे आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पे विक्टिम जो है, विक्टिम के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे आप? ये क्यों कह रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जांच कोर्ट करेगी और अभी तक इट्स न्याय संगत एनकाउंटर। मैं पूछ रहा हूं राशिद जी मुझे आप बताइए, अभी तक आपने पीड़ित के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? राशिद जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक आपने प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम नेताओं से सवाल क्यों नहीं किया कि लोग ने इस पे खुल के आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं पूछ रहा हूं आपसे राशिद जी, जवाब दीजिए। सर भाई साजिद का जो इनकाउंटर हो गया, अब जो जावेद का इनकाउंटर होने वाला है, मैं चाहता हूं कि उसको पकड़ के ये मामला क्या है पहले मालूम होना, क्यों मारा उन्हें मालूम होना, जबकि आज पड़ोसी है उसका, बच्चों से क्या दुश्मनी है वो मालूम होना। सर अगर इस दुश्मनी की बात देख सके ना, इस हैवानियत को आपसी रंजिश और दुश्मनी, शिवम त्यागी अगर आपसी रंजिश और दुश्मनी के अंदर गला काटने की बात हो गई और नॉर्मलाइज कर दी, कितने लोगों में आपसी दुश्मनी होती है, कितने लोगों में आपसी रंजिश होती है? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के निर्मम रूप से हत्या की गई, गला काटा गया। और सुनिए मैं कह रहा हूँ, इसमें आप भले बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी को अधिकार है कि आपसे कानून व्यवस्था पे सवाल पूछे, पर मेरा इशू ये है कि जब ये पूरा का पूरा ट्वीट लिखा जाता है, इस ट्वीट में एक भी बार ये नहीं कहा जाता कि भाई जावेद और साथ में साजिद ने जो किया वो कंप्लीटली गलत है और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। पहला ट्वीट होता है कि यूपी में दंगे फैलाने की कोशिश और सांप्रदायिक तनाव खड़ा करने की से चुनाव जीतने की बात हो रही है। अरे इसमें संगीता के लिए एक शब्द क्यों नहीं है? इसमें संगीता के परिवार के लिए एक शब्द क्यों नहीं है? इसमें आयुष और आहान के लिए क्यों भी एक शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया? क्यों? मेरा इशू यह है शिवम त्यागी। देखिए प्रदीप जी, आप या फिर डीजीपी साहब इस बात को समझ नहीं रहे हैं, जो बार बार असगर कह रहे हैं उनकी बात समझिए आप। वो कह रहे हैं कि इनका इनकाउंटर ना करते, आप इनको प्यार से जेल में लॉज कर देते, उसके बाद क्या होता कि जैसे अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आतंकवादियों के पीछे 15 लॉयर्स की फौज खड़ी है, इनके पीछे भी फौज खड़ी हो जाती, इनको भी बहुत सारे आउटफिट समर्थन देने आ जाते, बचा लेते, किसी तरीके से ये बच जाते। दूसरा वो कह रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए असगर जी, दूसरा वो कह रहे हैं एनकाउंटर की लीगैलिटी। मेरा निवेदन है अगली बार यूपी पुलिस कहीं जाए तो इनको जरा लेकर जाए, पता चल जाएगा जब सामने से कोई छुरी लेकर खड़ा होगा कि उस समय पे इनको कानून याद आता है या अपने सेल्फ डिफेंस में बचाव याद आता है या सामने वाले को सबसे पहले ढेर करना होता है। तीसरा, ये लगातार एक चीज को कह रहे हैं कि नहीं हम कंडेम करते हैं। मैं आपका कंडेमिनेशन या फिर इस देश का आदमी आपका कंडेमिनेशन तब मानेगा जब 2.5 लाख लोग जैसे गाजा के लिए समर्थन में सड़क पर खड़े थे, ऐसे ही इन बच्चों के लिए खड़े मिलना। असगर अली, अगर ऐसे ही इतना समर्थन है ना तो जितने लोग टीवी पर बोल रहे हैं ना वही ग्राउंड पे मिलना कि हम खड़े उनके साथ। टीवी पर कंडेम करने से कंडेम नहीं होता, कंधा मिलाकर खड़े होइए ना। असगर अली, इनका बस चले तो ये कुछ भी कर देंगे। हमारा बस नहीं चल रहा, बस आपका नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे होना ही नहीं चाहिए। आपका बस चले, आप कुछ भी कर दोगे। कुछ नहीं बस चल रहा है, गले आप कर रहे हैं, कह रहे हैं बस चले हमारा, गले उन आतंकवादियों ने काट दिया, आप कह रहे हैं बस हमारा चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा जी। ये कानून के हथियारे हैं, ऑफ कोर्स कानून का हथियार, और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। मैं फसाद कराना, एनकाउंटर जो हुआ वो कानून के तहत हुआ, लेकिन जिन लोगों ने गला काटा वो कानून के तहत नहीं था। अरे एनकाउंटर के कानून है, पढ़ के आओ। अरे एनकाउंटर किताब कह तो रहा हूं आपको, लेकर जाए एक दिन कानून सारे कानून सामने से आपके ऊपर जो है फायर हो रही होगी। एक सेकंड असगर अली जी, आप कह रहे हैं एनकाउंटर के कानून है, आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं एक सेकंड, आपको क्या ये कंफर्मेशन से पता है कि साजिद ने सरेंडर करने की कोशिश करी? आपको कैसे पता?
आप कह रहे हैं एनकाउंटर जो है लीगल नहीं, आपको कैसे पता? बताइए, मुझे साजिद है, मुझे चलिए मैं आपसे भंडारी साहब सवाल कर रहा हूं, इसीलिए पता होगा, आपसे वजह नहीं हो सकती पता होने की, ज्योतिष तो है नहीं है। अरे बताइए, ये बस असगर है इसलिए पता ही ना। मैं कह रहा हूं कि कानून की बात करिए, आप कह रहे हैं कि सरेंडर करने की कोशिश करी, मैं कहा कह रहा हूँ कि सरेंडर करने की कोशिश करी, मैं तो कह रहा हूँ भागा भी होगा। नहीं तो आपने कैसे प्राइमा फेसी डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं कह रहा हूँ कि ये प्राइमा फेसी पूरी डिबेट को, ये पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करी। असगर अली जी से एक बार शबनी लिखा कि संगीता की माँ के साथ वो खड़े, आप क्रॉस कर देते हैं। नहीं, आप कह रहे संगीता की माँ के साथ, आपने एक बार भी नहीं बोला कि खड़े हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी एक भी बार इन्हें नहीं बोला कि संगीता के साथ खड़े, माफी चाह रहा हूँ, संगीता जी के साथ खड़े, इन्हें एक भी बार नहीं बोला कि आयुष और आहान जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको गला काट के इनको मारा गया, उनके साथ जो हुआ वो हैवानियत है। आप एनकाउंटर की टेक्निकलिटीज के अंदर इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, आ रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य आपके पास, दावत दूंगा, हम में से किसी आदमी ने भी ऐसा नहीं कहा कि अली साहब आप बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। और एनकाउंटर जो होता है कानून के तहत होता है, आप तो वकील हैं, जाके आपने कितने एनकाउंटर किए हैं? मैंने 50 किए हैं, 50 और आपको दरअसल आप किसी चीज को आप समझ नहीं चाहते हैं। आप हत्यारों के बचाव में, आप मर्डरर्स के बचाव की बातें कर रहे हैं। मर्डरर्स की बचाव करना छोड़ दीजिए, हत्यारों की बचाव करना छोड़ दीजिए। और जो कानून के तहत एनकाउंटर हुआ है, आप एक दलील बता दीजिए कि यह गैर कानूनी है। आप दलील नहीं देंगे, आप सिर्फ उनको बचाने की बात करें। मोटिव कहां से आ गया? मोटिव इतना ही बहुत है, पिस्तौल लेकर किसी ने गोली चलाई उसको मरना ही है। पिस्तौल लेकर के कोई हमला करेगा वो मारा ही जाएगा। आप क्या? अरे वो मारा ही जाएगा। जावेद, एक सेकंड, देयर इज एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे कुछ शबा, हम कुछ फैक्ट चेकर्स हैं जो इसको एक आपसी रंजिश की एंगल देके इसको कंप्लीटली रफा दफा करने की कोशिश करना चाहते हैं। पर मैं कहता हूँ, चलो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट अगर देने की बात करूं, आचार्य विक्रमादित्य जी, राशिद शरीफ जी, आप प्रेसिडेंट हैं एसआईएम पीएलबी की, क्या आप इनके खिलाफ फतवा जारी करेंगे? आप जावेद जो अभी फरार है उसके खिलाफ फतवा कब जारी होगा बताइए राशिद जी? मैं तो बताऊंगा कि सर जावेद को है सो आप जिंदा अरेस्ट करें, उसको मालूम होना चाहिए कि उसके खिलाफ आपका रिटर्न स्टेटमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मालूम होना? नहीं सर, हमको मालूम होना। अरे सर, कानून हमारे पास, कानून है हमारे पास, कानून है, हम उसको सजा दे, सख्त से सख्त सजा होना चाहिए इसको, बिल्कुल सख्त से सख्त सजा, और हम देखना चाहिए राजीव भाई, फतवा देखना चाहिए दो मासूम बच्चों का जो कत्ल करा हमने। आचार्य विक्रमादित्य, प्रदीप जी आपने कार्यक्रम के आरंभ में एक बहुत वाजिब प्रश्न पूछा था उस लड़के के पिताजी से जो बच्चे चले गए, उनके पिताजी से, कि हत्या किस प्रकार से की गई। हमारे यहाँ इस पूरे पैनल में एक सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति बैठे हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, उनसे पूछ लीजिए कि जिस प्रकार की हत्या उस बच्चे की गई है, उसके पिताजी ने वर्णन किया है, गर्दन काट दी गई, जिहादी मानसिकता, तालिबानी मानसिकता के साथ जिस प्रकार को किया गया है, ऐसी घटनाएं व्यक्ति कब करता है? क्या कोई दुश्मनी की बात करता है, या एक साइकोपैथ करता है, या वास्तविक तौर पर जो जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति करेगा? अब मैं विक्रम सिंह जी ने हजारों केस देखे होंगे, और जिस प्रकार का वर्णन आपने शुरू में सुना, सब लोगों ने, पूरे देश ने सुना, वो वास्तविक तौर पर, इन वास्तविक तौर पर यहां बैठे हुए जिहादी कहूंगा, इनको बिल्कुल संवेदना नहीं है, यहां बैठे हुए जितने ये बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो वकील साहब हैं, चाहे वो, मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूं शिवम जी, यहां पे मैं कह रहा हूं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। एक सेकंड, जिम्मेदार नेताओं ने इसमें क्या कहा कि भाई आ रहा हूं मैं असगर अली जी डिबेट में, वापस आ रहा हूं, दर्शकों सुनिए, रामगोपाल यादव जी, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी ने इसमें क्या कहा? क्या इसमें आयुष और आहान की मां के लिए एक शब्द है? जरा सुनिए, आप खुद रियलाइज करिए। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से, ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त ऐसा करवाते हैं। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? इस सरकार का लाइन आर्डर पूरी तरह से फेल है। मतलब शिवम, ये कोई भी जो है संगीता जी के घर नहीं जाएंगे, ये एनकाउंटर तो करा ही दिया। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जावेद और साजिद को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फोन करा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला जाके, इस तरीके के क्या लॉजिक है?
वोट बैंक पॉलिटिक्स का किस हद तक गिर चुके हैं हम लोग जी। शुक्र मानिए कि इस समय समाजवादी की सरकार नहीं है, वरना शांति के साथ इन दोनों लोगों को चुपके से जेल में लॉज कर दिया होता, प्रदेश में धारा 144 लगा दी होती और इनको बचा दिया होता। सोचिए जो आदमी विपक्ष में होके भी एक धर्म के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, उन लोगों ये जो हुआ नहीं आते हैं, तो अगर वो सत्ता में होते तो किस हद तक जाते? उनके पास उनका नाम लेने के लिए नहीं है, उनके पास दो शब्द नहीं है, उनके परिवार के साथ खड़ा होने के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो सत्ता में होते तो ये लोग बचते, इन लोगों को बचाया जाता। ये नई बात है क्या? कोई इसी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के केस विड्रॉ करने चली गई थी अखिलेश यादव सरकार। तो जब आतंकवादियों के केस विड्रॉ हो सकते हैं तो इनका तो बेचारों कोई कसूर ही नहीं, इनको तो ईमानदार साबित कर देते अखिलेश यादव। तो ये प्रदेश अच्छे तरीके से इस बात को जानता है। लेकिन आज की पर आप पे आरोप लग रहा है कि आपने कराने की कोशिश करी, इस पे आप पे आरोप लग रहा है कि आपने कराने की कोशिश करी, एक चीज मैं आप पे आरोप लग रहा है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रदीप जी आपको भी सेफ रहने की जरूरत है, मुझे भी सेफ रहने की जरूरत है, आप भी तो जाते होंगे हेयरड्रेसर के पास, आप भी तो जाते हैं, मैं भी जाता हूं। अब जो आदमी यहां पर उस तरह चला रहा है, मुझे नहीं पता भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब उसके पीछे बीजेपी तो है नहीं, कौन है वो, क्या सोच रहा है? इसके बाद अगर हिंदू लेकर आ रहा है वो तो भगवान जाने कहां से। असगर जी नहीं, मैं बता रहा हूं क्या होगा इसके बाद। असगर जी अगर कोई हिंदू जो है उसके मन में जैसे थॉट शिवम के मन में आए तो फिर आप विलनाइज हिंदू को करना शुरू कर देंगे कि अरे ये लोग चुनी जा रहे बार्बर शॉप पे। भाई जब तक नेता लोग ऐसी हैवानियत को क्रॉस कंडेमनेशन नहीं करेंगे तब तक जाकर समाज में मैसेज कैसे जाएगा कि जो एक हैवानियत है उस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स हावी नहीं हो रही है। असगर अली जी आज आप भी खुल के नहीं कहे। अच्छा कहिए, संगीता के परिवार के साथ आप खड़े हैं और जावेद जो अभी फरार है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कहिए असगर जी मेरे शो पे ये कहिए। हमने खुल के कहा है, सुनिए भंडारी साहब, हम बिल्कुल खुल के कह रहे हैं क्या? इससे बड़ी हैवानियत कुछ नहीं हो सकती जो इस इंसिडेंट में हुई। मैंने अपनी बात की, आप रिमाइंड करके देखिए किसने करी हैवानियत, ये अजगर जी किसने करी हैवानियत ये कर दिया। लेकिन 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 ये लेकिन और किंतु परंतु नहीं लगाना भाई, लेकिन क्या फांसी होनी चाहिए जावेद को? जो भी इसका बच्चा जाता है उससे पूछिए क्या जावेद को फांसी होनी चाहिए? सजा होती तो मैं अगर उससे बड़ी कोई सजा होती तो रिकमेंड करता मैं कि वो होनी चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ फांसी है इसलिए कैपिटल पनिशमेंट मैं कहता हूँ। लेकिन मैं आपको भी कहता हूँ, लेकिन कि आप लोग ऐसी बातें करें जो शिवम साहब कर रहे हैं, जो हमारे धर्म गुरु जी कर रहे हैं कि भाई कानून अपने हाथ में लेने की बात कैसे का काम किया डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो लोग ये कैसे कह रहे कानून अपने हाथ में लिया, ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आरोपी फरार होते जाए और आरोपी को माला दी जाए और उसका स्वागत जेल में किया जाए जिसने दो नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी तालिबानी स्टाइल में। डॉक्टर विक्रम सिंह क्लोजिंग कमेंट्स 20 सेकंड्स पर आक्रमण किया जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। अभिनंदन नहीं, उनको कानून की परिधि के अंदर उनको मारा ही जाएगा। जो हमें कानून ताकत देता है ताकत के अनुरूप जो हम मतलब पुलिस के ऊपर तो न्यूनतम बल प्रयोग करके उसको निष्क्रिय किया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। असगर अली साहब को इसमें क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल हंगामाई गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा। बिल्कुल दोस्तों मेरे पास इस वक्त डॉक्टर विक्रम सिंह, आपने बिल्कुल सही तरीके से समराइज किया। मैं देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, इस वक्त पीड़ित संगीता जी है, उनका परिवार है, दो नाबालिग बच्चों की निर्मम तालिबानी स्टाइल के अंदर हत्या हुई है और इसको हमें एज डायरेक्ट कहना चाहिए जैसे कि गाजा के ऊपर ये सेक्युलर नेता कहते थे। दर्द की बात है कि इनमें से कोई भी सेक्युलर नेता अभी तक संगीता जी के परिवार या संगीता जी के घर जाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। इनको दिक्कत है, एनकाउंटर क्यों हुआ? क्या ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरोपी जो है वो फरार हो जाए और उसके बाद जाकर ये अपनी राजनीति करें? क्या वोट बैंक की वजह से कोई संगीता जी के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा और कह नहीं पा रहा है कि वो संगीता जी के परिवार के साथ खड़ा है? दोस्तों आपको विचार करना चाहिए, जो हुआ तालिबानी हैवानियत है, कोई आपसी रंजिश नहीं। Z News.